हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो हम आज आए हैं अपने गाजीपुर ज़िले के एक बहुत मशहूर धाम पे। और इस धाम के बारे में हमें खुद नहीं पता था कि ये इस काल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम कहाँ पे हैं और किस जगह पे हैं। तो हेलो दोस्तों, देखिए हम हैं गाजीपुर के महार धाम पे, जो कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पे आने पे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ पता चली है, क्योंकि इस जगह का रामायण काल के समय से जुड़ा हुआ है। और ये जगह उस समय की बात है जब राजा दशरथ जंगल में शिकार करने के दौरान निकले थे, तब वहाँ पे श्रवण कुमार और उनके माता पिता, यानी श्रवण कुमार अपने माता पिता को पानी पिला रहे थे। तो यहाँ पे पानी पिला रहे थे, तभी राजा दशरथ का शब्द वेदी बाढ़ से उन्होंने जब चलाया तो श्रवण कुमार को लग गया है। महार धाम के नाम से प्रसिद्ध, जो कि गाजीपुर ज़िले में है। तो यह आपके सामने एक पोखरा दिख रहा है, जो कि यहाँ के लोगों से हमें पता चला है ये वही पोखरा है जब श्रवण कुमार जी निकले थे तो उन्होंने यहाँ से अपने माता पिता को पानी पिलाया था। और पानी पिलाने के बाद जब यहाँ से आगे बढ़े थे तो आपको दिख रहा होगा ये पोखरा अभी बहुत छोटा है, लेकिन पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। काफी रहस्यमयी है। और यहाँ पे भगवान शिव के साथ साथ यहाँ पे संत रविदास जी की भी कुछ मंदिरें हैं। चलिए हम आपको कुछ देर में दिखाते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और ये पीछे हमारे जो पोखरा दिख रहा है वही पोखरा है जहाँ पे श्रवण कुमार पानी पी रहे थे और उनको बाढ़ लगा था। और ये रहा श्रवण कुमार जी का मंदिर। यहाँ पे और चलते हैं भगवान शिव के मंदिर के ऊपर, जो कि इधर साइड है। यह धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण यह नंदी महाराज ये है मुख्य द्वार महार धाम का। अंदर बहुत अभी भीड़ है, कुछ देर बाद हम आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर में किसकी मूर्तियां हैं। तो चलिए हम आपको पहले बाहर साइड से दिखा दें। ये मंदिर के साइड का व्यू है, जो कि अभी इस समय बहुत खाली है। अभी कुछ दिन पहले ही नवरात्रि में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, नवरात्रि के सोमवार के दिन, क्योंकि ये महादेव जी का मंदिर है महार धाम। और यहाँ पे साइड में एक रोड दिख रही है और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो कि गवर्नमेंटेड स्कूल ही है ये। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अब मंदिर के पीछे साइड का व्यू। तो ये देखिए, ये है मंदिर के पीछे साइड का व्यू। एकदम अभी सन्नाटा हुआ पड़ा है मंदिर का, क्योंकि हम दोपहर के समय गए थे यहाँ पे, और दोपहर के समय जाने का मतलब कि सिर्फ 3-4 लोग ही दिखेंगे मंदिर में, क्योंकि मंदिर में ज़्यादातर सुबह शाम ही पूजा होती है, क्योंकि लोग वहाँ अपना काम धंधे से जब फुर्सत निकाल के यहाँ पे आते हैं। और ये रहे यहाँ के पंडित जी, जिनसे हमें यहाँ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई, और हम उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाए,
क्योंकि हम उस समय पूछ रहे थे और ये पंडित जी बहुत धीरे धीरे बता रहे थे हमको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, अष्टपुछालं श्रीकेशाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, ओम पवित्रे सुरस्तम्भो सवितुष्णामेन चंद्रेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः स्वस्ति पावित्रपते भूतस्य चामः भूतस्य केयमः। ओम हरि ओम तत्सत् परमात्मने नमः। अद्य ब्राह्मृदित्रहार्दशिषे बाराः कल्पे वै वस्वरमनन्तरे अष्टादशे कलयुगे कल्पसञ्चलयम् मासानामासतमासे मङ्गलमासे महामङ्गलमासे आनन्दनगौरीमुखी गङ्गिरायजी महां सान् वारामसी दुर्भाग्यभाग्य गाजीपुर जिला अंतर्गत अपने गांव का नाम ले लीजिए, सकल विधि पुरुषार्थम अमुक अमुक नाम शर्मा सकल विधि पुरुषार्थम स्वपरिवार कल्याणार्थम महान महादेव स्थान पूजन दर्शन मनोरथ संकल्प परिचय छोड़ें आज जुड़िए शिव जी का ध्यान। और ये रहा वो मंदिर जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। देखिए ये 13 मुखी शिवलिंग है जो कि ये अपने आप एक कुएं की खुदाई से निकला है और इसे किसी ने बनाया नहीं है, तो ये है इनकी माया भोलेनाथ की। तो अगर आप आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर जाएं और देखें। और जय माँ काल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।